अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अलीजा, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ जो विंटर्स में बहुत कॉमन है और मेल फीमेल दोनों को इक्वल फेस करना पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेल फीमेल दोनों को फेस करना पड़ती है। तो जी माय यूट्यूब फैमिली, मैं बात कर रही हूँ स्किन पीलिंग की अराउंड योर फिंगर नेल्स। आई बिलीव कि 90% लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। अगर कभी ये आपके साथ हुआ है या हो रहा है तो आपको इसकी पेन के बारे में आइडिया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या रीजंस हैं, किस वजह से होता है और अगर आपको हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक तो बनता है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्किन पीलिंग होती क्यों है। तो गाइज, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सर्दियों में होती है जिसकी सबसे बड़ी वजह है ड्राई स्किन। जो में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से स्किन पीलिंग स्टार्ट हो जाती है अराउंड नेल्स। इसके कुछ मेन कॉजेज मैं आपको बता देती हूँ। सैनिटाइजर यूज़ करने से विटामिन की डेफिशिएंसी से और स्पेशली फीमेल्स जो पानी में ज़्यादा काम करती हैं लाइक कपड़े धोना, बर्तन धोना और घर की साफ सफाई वगैरह। और इसकी एक सबसे बड़ी और रीज़न ये भी है कि डिहाइड्रेशन, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो भी स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जी जनाब, तो रेमेडी बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए देसी घी, या फिर आप इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास देसी घी अवेलेबल है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें चाहिए जी रोगने बादाम और इवियन कैप्सूल। अब इसके बेनिफिट बताती हूँ। जो देसी घी होता है इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को सॉफ्ट करती हैं और स्किन को हाइड्रेट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी विटामिन ई कैप्सूल यानी कि इवियन। इसमें पाया जाता है जी एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन के डैमेज को प्रोटेक्ट करती हैं और स्किन के मॉइस्चर को लॉक करने के लिए बैरियर का काम करती हैं और लास्टली स्किन को सॉफ्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलमंड ऑयल। ऑलमंड ऑयल जो है ये हमारी स्किन को नरिश करता है, पफिनेस को रिड्यूस करता है, ड्राई स्किन को सूथ करता है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने की वजह से स्किन की रेडनेस को काम डाउन करता है। तो देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अराउंड 1 टेबल स्पून ले लूँगी देसी घी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, सर्दियाँ तो ये फ्रीज हो जाता है इस वजह से मैं इसको मेल्ट करके तो ले आई हूँ। आपने भी इसे मेल्ट कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से जो दूसरी चीज़ें हैं वो मिक्स कर सकें हम। नेक्स्ट इसमें हम एक इवियन कैप्सूल पॉक करके डाल लेंगे और लास्टली इसमें हम ऐड करेंगे जी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलमंड ऑयल। दैट्स इट। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे किसी भी एम्प्टी कंटेनर में ऐड करके रख लेना है। इसमें घी ऐड किया है तो ये जब जम जाएगा तो ये बाम की तरह बन जाएगा। इसको आपने रात को सोते हुए आपने अपने क्यूटिकल्स पे अप्लाई कर लेने हैं हाथ, और हल्के हाथों से आपने मसाज करना है अपने क्यूटिकल्स के इर्द गिर्द। तो रात को लगाने का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रात को हमें कोई काम नहीं करना होता तो जो रेमेडी है वो ज़्यादा वर्क करती है। रेमेडी के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताती जाऊँ जिनको आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम से बच सकती हैं। फर्स्टली इनटेक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और स्किन की पीलिंग का इशू फेस करना पड़ता है। तो आपने पानी का इनटेक ज़्यादा करना है। सेकेंडली, आप जब भी कपड़े या बर्तन वगैरह धोकर फ्री हों, सोप से आपका इंट्रैक्शन हुआ हो, उसके फ़ौरन बाद आपने कोई भी जो मॉइस्चराइज़र है वो आपने अपने हैंड्स पे और नेल अराउंड आपने स्पेशली फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स विच आर फुल ऑफ विटामिन सी और बायोटिन लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, ईटीसी। दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।